4 जुलाई 2022 को ERSS डायल 112 सेवा का हुआ था शुभारंभ। अब तक कुल 4,50,000 लोगों की सुनी गई शिकायतें। 6 जुलाई 2022 को डायल 112 सेवा का प्रारंभ हुआ, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसका लोकार्पण किया। उसके बाद से लेकर अभी तक कुल 4,50,000 लोगों को इसके माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा भाजपा से लोगों का मोह भंग हो रहा है। इसके साथ ही जदयू के द्वारा दूसरे राज्य से उम्मीदवार उतारने पर अखिलेश सिंह ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में समझौता हुआ है, अपना उम्मीदवार उतार सकती है चुनाव में। बिहार में जाति जनगणना पर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर किया हमला। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार के नियत में खोट है, वो जातिगत गणना को पब्लिक नहीं करना चाहती है। वैसे इनकी नियत में खोट है, ये सवाल तो आम लोग जो बोल रहे हैं। कई धरना प्रदर्शन हुआ, कई लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की। हमने तो जब सर्वदलीय बैठक था उस दिन भी ये प्रश्न उठाए थे कि हम तो समर्थन किए हैं, विपक्ष जब समर्थन कर रहा। बिहार में बढ़ेगा आरक्षण का दायरा, आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट की मिली मंजूरी। बिहार में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने की सहमति की गई प्रदान, इसके लिए कैबिनेट ने बिहार आरक्षण बिल पर लगा दी मुहर। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार की आरक्षण के दायरा बढ़ाए जाने के इस प्रस्ताव का किया समर्थन। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण के दायरे बढ़ाने के जिस प्रस्ताव को लेकर सदन में आई है, भाजपा उसका समर्थन करेगी। बीजेपी ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के समर्थन के साथ की मांग। सुशील मोदी ने कहा पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सीमा को 37% से बढ़ाने की जरूरत है।